तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में। तो गाइस, फाइनली भाई हमारी वीडियो आ गई है। और भाई इतनी मतलब इसमें टाइम लगा है वीडियो लाने में, मतलब मैं क्या ही बताऊं यार। बट उसके लिए सॉरी यार, बहुत बहुत सॉरी मेरे को। अब से भाई वीडियो हमेशा आएगी, होप। तो गाइज, आज की वीडियो भाई बहुत लोग वेट कर रहे थे, जो लोग खेलना चाहते हैं डू ओर एसएमपी, तो वो भी सीजन 2। हाँ, सीजन 2 में बोलना भूल गया, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, सीजन 2। और ये देखो, और ये वाला जगह है इस एसएमपी का रिस्पॉन पॉइंट, मतलब स्पॉन पॉइंट। अगर आप अपने बिना बेड के मर जाते हो तो आप यहीं पे स्पॉन होंगे, तो ये सही बात है कि। और मैंने आसपास देख लो, अच्छा खासा लग रहा है सब कुछ। आप यहाँ पे आप अपना घर वगैरह बना सकते हो, एक एसएमपी बना सकते हो। और ये रहा वेव स्टोन। यहाँ पे देखो, जब मैं जैसे ही सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा तो देखो मैं कहाँ पहुँचता हूँ। एक सेकेंड, ओके गाइस, मैं शायद पहुँच गया। ओके तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे है अपना स्पोनर, जैसे कि आप ग्रांड कर सकते हो यहाँ पे। उसको मैं ये बढ़ा लेता हूँ नाइट विजन। और ये देखो, यहाँ से आप मतलब इसमें से निकलेंगे, आप उनको मारोगे। अभी ये क्या कर रहे हैं भाई, बाहर निकल जाओ, क्या कर रहे हो भाई यहाँ से। तो गाइज यहाँ पे आराम से, अबे भाई हट जाए यार, क्या इसमें कर रहा है। तो गाइज आप यहाँ पे आके आराम से अपना ग्राइंडिंग कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप बहुत सारा आपको लूट भी मिल जाएगा। तो आप उधर, अबे भाई ये मतलब कुछ भी हो रहा है भाई, हट जाए यार तू, मेरे को यहाँ से ऊपर जाने दो। एक सेकेंड, रुक जाओ भाई ये। ओके भाई, मैं बाहर आ गया हूँ। तो गाइज अगर आपको यहाँ पे आपको मतलब अच्छा लगे तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और भाई आपको आना ही पड़ेगा। और भाई देखो कितना दूर है, मतलब मेरे जहाँ से रिस्पॉन पॉइंट है वहाँ से बहुत काफ़ी दूर है, क्योंकि आसपास कोई अच्छा से मिला मेरे को मिला नहीं। तो मेरे को यही मिला, तो मैं यहाँ पे इसको दे दिया। तो अगर आपको ग्रांड करना है भाई, बेसिकली करना ही पड़ेगा इसमें आपको ग्रांड, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको मॉब्स मारने पड़ेंगे, इसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ओके गाइज, अभी हम चलते हैं फटाक से अपने रिस्पॉन पॉइंट पर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। और गाइज एक और बात थी, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं भाई ये जो आपका वर्ल्ड दिखता है इतना अच्छा, वो कैसे दिखता है। सो गाइज इसका राज ये है कि भाई मैं यहाँ पे एक लगाया हूँ रिसोर्सेस पैक, और ये भाई 2 DSMP में ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि भाई ये नहीं रहेगा तो वर्ल्ड आपका एकदम बेकार दिखेगा। तो उसका नाम था स्टे ट्रू, तो उसका भी मैं दे दूंगा मोड के फोल्डर में, वो भी रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लगा लेना अगर लगाना चाहते हो, वैसे लगा लेना, थोड़ा अच्छा दिखता है। चलो यार, अभी आपने देख लिया भाई कितना अच्छा। अभी आप यहाँ पे आओ, आराम से ग्रांड करो, कोई कोई बोलेगा नहीं। और गाइज बहुत से लोग बोलेंगे भाई ये फेक है, फेक है, बट यार ये फेक नहीं है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो इसमें जितने सारे मोड्स है वो सब कुछ प्रेजेंट है इसमें, और भी ऐड आगे जाकर करे जाएंगे, बट अभी के लिए इतना इनफ है। और भाई जी मैं आपको दिखा दूँ, एक होता है मतलब मैं बेसिकली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो रिंग ऑफ रिटर्न है, मतलब बहुत सारे हैं, तो आपको भाई यकीन हो जाए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो एक और होता है जिसका नाम है मेनू लाइन, भाई मैं नाम भूल गया, मैं लेता हूँ XP, देखो आ गया ये वाला, तो इसका ये नाम है। तो भाई ये भी है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, सेम टू सेम हो ये, बट ये है कि भाई वो रियल है, ये मतलब कॉपी है, फेक नहीं बोलोगे भाई, कॉपी बोलोगे। क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे भी है जो कि बोलते हैं कि भाई ये कॉपी है, ये कॉपी करके कंटेंट बनाता है। तो भाई उनको बता दो भाई ये इतना आसान नहीं है सब करना, ये मोड वगैरह SMP भाई सर्वर बनाना इतना भी आसान नहीं, अच्छे अच्छे की भाई हालत खराब होती है SMP बनाने में। तो कोई ना गाई, चलो अभी फटाफट चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। सो गाइज अभी करना क्या आपको, आपको मैं दे दूंगा लिंक इसका, ये मोड फाइल का, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको मिलेगा डिस्कॉर्ड पर, तो आप डिस्कॉर्ड पर जाइएगा। उसके बाद इसको करना है एक्सट्रैक्ट, सिंपल, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है, ठीक है, पासवर्ड फ्री है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ फोल्डर, एक सेकेंड लीजिए आ जाए भाई, ये रहा, ठीक है। इसको ओपन करना, और यहाँ पर आपको मिलेगा 3 फोल्डर, ठीक है। पहला है बेटर एक्सपीरियंस, एक जो मोड का है और एक ऑप्शनल है, ठीक है। जो बेटर एक्सपीरियंस है ये वही मोड है जो आपको मैंने बताया था ना, जिससे कि जो आपका वर्ल्ड है वो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब सुंदर दिखता है, मतलब कलरफुल दिखता है, मतलब लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट भाई मतलब लगा लेना अच्छा दिखेगा। उसके बाद मोड का फोल्डर है जिसमें हमारे सारे सारे मोड्स है, ठीक है, DSMP के। और जो तीसरा है वो है ये सेटर पैक है भाई, आपको पता होगा भाई, आपको लगाओ तो लगा सकते हो सेटर पैक, सेम वही सेटर पैक है जो मैंने अपने गेम प्ले में दिखाया, और जो प्रोडक्ट को लगाते हैं वही सेटर पैक है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो मोड का फोल्डर है इसको कट करना है, फिर कॉपी कर लेना है। मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको कट करने के बाद आपको करना है क्लिक करना है TLNZ पर, और यहाँ करना है ओपन फाइल लोकेशन। सो गाइस जरा ऊपर आना, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोड का फोल्डर। अगर आपने पहले से किसी मोड्स डाला होगा तो उसको आप डिलीट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे आपको इसको रिनेम कर देना है, यहाँ क्लिक करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रिनेम किया ना,
ये मेरा पेड वाला सर्वर, इसको मैंने VPS लिखा है। फिर आपको यहाँ पे इसको रीनेम कर देना जो आपका पुराना वाला होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। बेसिकली आपको यहाँ देखो मैं पेस्ट करूँगा तो ये बोला रिफ्रेश करने को, तो मैं इसको कट कर दूंगा। ठीक है, आपको वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना गाइज, हमारा काम हो चुका है अभी। ओके गाइज, एक और चीज़ थी, ये अगर आपको लगाना है ये बेटर एक्सपीरियंस, इसको आपको कट करना है यहाँ से। और कट करने के बाद इसको आपको जाना है यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिसोर्सेस पैक। सिंपली आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गेम को ओपन करना है। और गाइस हाँ, एक बात ध्यान रखना, जैसे आप इसको ऑन करोगे ट्री लॉन्चर को, गाइस देखो हमारा ट्री लॉन्चर ओपन हो चुका है। और गाइस यहाँ पे जो है ना फैब्रिक 1.18.2, आपको यही करना है और दूसरा मत करना। देख लेना गाइस ये फैब्रिक 1.18.2 ही हो, उसके बाद आपको इसको करना है इंस्टॉल। अगर आपके पहले से होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं है तो इसको आपको कर लेना है और इंटर द गेम पे क्लिक करना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप जाओगे गेम में, फिर गेम से वापस आना। ठीक है, उसके बाद से आपको इसको रैम देना है, यहाँ सेटिंग में जाना है। और यहाँ देखो अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आप इसको 6 GB रैम आराम से दे सकते हो। ठीक है, 6 से 5 GB दे सकते हो। अगर आपका 4 GB रैम है तो शायद इसमें चलेगा, बट ट्राई कर लेना। आप उसमें 3 GB या फिर 4 GB मिनिमम दे के उसको छोड़ देना। ठीक है, और ये हो जाएगा। और उसके बाद से कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो यहाँ इसको आपको जब भी खेलना आप इस फेवरी को यहाँ पे क्लिक करना 1.18.2 को, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको सिंपली करना है इंटर द गेम पे क्लिक। और जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको गाइस मतलब थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे आपका भले कितना भी ज्यादा रैम हो बट इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगता है। देखो भाई मैंने क्लिक कर दिया, अभी मोजोंग का मतलब बोलो आया आइकन, कुछ नहीं आया ना, बिकॉज इसमें थोड़ा लोड लेता है फाइल, जो फैब्रिक मोड से वो लोड लेने में थोड़ा टाइम लगते हैं। इसकी वजह से आपको इसको कम से कम 2 से 3 मिनट, अगर आपका कम डिवाइस मतलब लो डिवाइस है तो आप 10 मिनट भी लग सकता है, बट मेरे में तो भाई 3 मिनट में खुल जाएगा। बेसिकली मैं देख लिया हूँ सब कुछ, तो 3 साढ़े 3 मिनट में आराम से खुल जाएगा, तो देखते हैं कब तक खुलता है। तो ओके गाइज हमारा गेम अभी ओपन होने वाला है। देखो ओपन मोजांग स्टूडियो लिख दिया, मोजांग जो भी इसको बोल दो भाई। उसके बाद से ये इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे। ओके गाइज हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। अब बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे मल्टीप्लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है ऐड सर्वर पर, और यहाँ पे डाल देना है आपको IP। तो गाइज जो IP है वो भी आपको मिलेगा डिस्कॉर्ड पर, और जो मोड है वो भी आपको मिलेगा डिस्कॉर्ड पर। बट मैं जो मोड का लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लिंक खोलना आता होगा तो आप वहां से क्लिक करके लिंक को खोलकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद से जो सर्वर एड्रेस है वो कॉपी यहाँ पे वहां से कॉपी करना, यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देना और उसके बाद डन कर देना, बट कुछ नहीं करना है। और देखो हमारा ये सर्वर आ चुका है, अभी ये ऑफलाइन है, अभी ये सर्वर ऑफलाइन है, मैं अभी इसको ऑन करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो ओके गाइस अभी हमारा सर्वर ऑन हो चुका है, अब बस मेरे को इसके अंदर एंटर करना है, तो सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है और आप एंटर हो जाओगे। ओके गाइस अभी हम एंटर हो चुके हैं अपने सर्वर में और हम पहुंच चुके हैं, और ये है रहे हमारे जूम फन भाई जिन्होंने भाई इस मोड को डेवलप किया है। तो गाइस एक लाइक तो बनती है, तो भाई इन्होंने काफी मेहनत की है। तो गाइस बस आपको यहाँ पे आ जाना है, बस अपना खेलना है, चिल करना है, और गाइस कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई रोक टोक नहीं, आराम से आओ SMP में। बट हाँ भाई रोक टोक है ये है कि थोड़ा अच्छे से खेलो। ठीक है भाई जूम फन भाई कहाँ घूम रहे हो? तो गाइस मैं जूम फन भाई का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो उनके चैनल का। तो गाइस चलो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। और गाइज यूट्यूब पर अभी किसी के पास भी मेरे और माइन और बेकर और जूम फन के अलावा और किसी के पास ये मोड नहीं है, तो एक लाइक जरूर करना। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।